इस वीडियो को देखे बिना मॉनिटर मत खरीदना क्योंकि दुकानदार आपको वो बेचना चाहेगा जिसमें उसका प्रॉफिट बनेगा और आप वो चीज शायद से ले भी लोगे और अगर आप ऑनलाइन भी खरीदने जा रहे हो तो ये वीडियो जरूर से देख लेना एक बार क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वालों की कौन सा मॉनिटर आपके हिसाब से सही रहेगा मॉनिटर खरीदने से पहले आप ये ध्यान रखना की मॉनिटर आपको किस लिए चाहिए आपको मॉनिटर पे एक्चुअल में करना क्या है बाकी मॉनिटर तीन तरह के पैनल में आते हैं एक होता है टी पैनल एक होता है वी पैनल और एक होता है आई पैनल एक एक करके सारे पैनल की बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं आईपीएस मॉनिटर की ये मॉनिटर कलर्स वगैरह के उसमें काफी ज्यादा अच्छा होता है जो कलर ग्रेडिंग वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करते हैं उनके लिए आईपीएस मॉनिटर एक बढ़िया चॉइस रहती है आईपीएस मॉनिटर में आपको कलर्स के साथ साथ काफी अच्छे व्यूइंग एंगल्स भी मिल जाते हैं यानी कि अगर आप मॉनिटर को साइड से देखोगे किसी भी राइट right से या फिर लेफ्ट से तो आपको एकदम अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे वो ब्लैक स्क्रीन आपको नहीं देखने को मिलेगी आईपीएस पैनल में एक ही ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें आपको फ्रेम रेट्स अच्छे नहीं मिलते और रिस्पॉन्स टाइम काफी ज्यादा मिलता है अगर आपको आईपीएस पैनल में अच्छे खासे फ्रेम रेट्स भी साथ ही साथ चाहिए है तो आपको थोड़े बहुत तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे अब इसी चीज का सॉल्यूशन लाते हैं अपने टी एन जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं क्योंकि अभी आईपीएस में काफी सारी चीजें बताना बाकी है अब अगर आप आईपीएस मॉनिटर के साथ जाना चाह रहे हो तो इन तीन चीजों का जरूर से ध्यान रखना जिसमें से तीसरी चीज तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट है कंट्रास्ट रेशियो मॉनिटर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में चीज इतनी जरूरी नहीं होती लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जो आपके मॉनिटर में ब्लैक और व्हाइट कलर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है ये वैल्यू ये वैल्यू आपको हर जगह रेशियो की फॉर्म में मिलेगी इसमें यह जो फर्स्ट वैल्यू है जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना अच्छा मॉनिटर जो है व्हाइट और ब्लैक कलर को बैलेंस आउट कर पाएगा दूसरा आता है एस आर जी बी और डी सी आई पी थ्री काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है लेकिन ये वैल्यूज आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में परसेंटेजेस के फॉर्म में मिल जाएंगी और ये परसेंटेजेस जितनी ज्यादा होंगी आपका मॉनिटर उतना ही ज्यादा वाइब्रेंट होगा कलर्स के मामले में और उतनी ही ज्यादा आपको कलर्स की एक्यूरेसी देखने को मिलेगी तीसरा जो हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कलर डेप्थ आईपीएस मॉनिटर लेते टाइम एक स्पेसिफिकेशन होती है जो कि होती है कलर डेप्थ कलर डेप्थ के अंदर आपको बिट्स की वैल्यू मिलती है अब इसमें ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा कलर्स आपका मॉनिटर दिखा पाएगा जहां आपको 8 बिट के आईपीएस मॉनिटर में 16 मिलियन कलर्स देखने को मिलेंगे वहीं आपको 10 बिट के आईपीएस मॉनिटर में एक बिलियन कलर

से आपको कलर अच्छा देखने को नहीं मिलेगा आपको व्यूइंग एंगल्स अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन टी एन मोनिटर्स का फायदा ये है कि इसमें आपको अच्छे फ्रेम रेट्स और सबसे कम रिस्पॉन्स टाइम्स देखने को मिल जाते हैं इसलिए जो बड़े बड़े गेमर्स होते हैं मोस्टली टी एन मोनिटर्स लेना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आपको बजट में ज्यादा से ज्यादा फ्रेम रेट्स मिल जाते हैं और कम से कम रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है वैसे भी अगर कोई कॉम्पिटेटिव गेमिंग वेलोरेंट टाइप की गेमिंग खेलेगा तो भाई उसको कलर्स का क्या ही करना है फ्रेम रेट जिसको नहीं पता उनको समझाता हूँ जैसे हर वीडियो एक ग्राफिक बहुत सारी इमेजेस के कलेक्शन से बनती है

कम से कम रिस्पॉन्स टाइम भी देखने को मिल रहा है तो उस तरह के मॉनिटर में आपको घोस्टिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी आखिर में सब कुछ मैं एक साथ बताया हूँ अगर आप टीएन मॉनिटर लेते हो तो सबसे पहले आप अपना ग्राफिक कार्ड चेक करना की आपका ग्राफिक कार्ड कितनी फ्रेम रेट हैंडल करने के केपेबल है और उसके बाद आप फ्रेम रेट सेलेक्ट करना फ्रेम रेट फाइनलाइज करने के बाद आप एक बार रिस्पॉन्स टाइम देख लेना की दोनों आपस में मैच खा जाएंगे या फिर नहीं खाएंगे अगर आपने कोई पावरफुल मॉनिटर सेलेक्ट करा जिसमें बहुत अच्छे फ्रेम रेट आते हैं उस मॉनिटर में जो आपका रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए वो 0.5 से लेके 1 एम

व्यूइंग एंगल्स टीएन से आपको अच्छे मिल जाएंगे लेकिन आईपीएस जितने अच्छे नहीं मिलेंगे वीए मॉनिटर ज्यादातर आपके कैजुअल वर्क के लिए होता है जैसे कि अगर आपको नॉर्मल ऑफिस का, का काम करना हो एक्सेल शीट्स वगैरह बनानी हो या फिर आपको थोड़ी बहुत गेमिंग भी चलती है बीच बीच में कि आपको बस रोज आके चिल मारना है और कुछ नहीं करना और ये मॉनिटर्स आपको हर तरह की फ्रेम रेट्स के साथ मिल जाएंगे और इन मॉनिटर्स में आपको काफी ज्यादा रिस्पॉन्स टाइम्स भी देखने को मिलते हैं इन मॉनिटर्स में तो मैं गारंटी दे सकता हूँ की आपको घोस्टिंग काफी देखने को मिल सकती है अगर आप कॉम्पिटेटिव गेमिंग करना चाह रहे हो और इस पे करना चाह रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इस मॉनिटर में कॉम्पिटेटिव गेमिंग आई डोंट थिंक सो एक अच्छा आइडिया है लेकिन अगर आप स्टोरी बेस्ड गेम्स खेल रहे हो तो उसके लिए ये मोनिटर भी आप यूज कर सकते हो मैंने सैमसंग ओडिसी जी थ्री के ऊपर वीडियो बनाई है और एसर एच के ऊपर वीडियो बनाई है सैमसंग ओडीसी G3 जो है वी ए मोनिटर है और जो एस आर एच ए टू सेवन जीरो मॉडर है वो आई पी एस मोनिटर है तो आप दोनों की वीडियो चेक भी कर सकते हो उसमें आपको फर्क भी पता चल जाएगा और आपको थोड़ा बहुत कलर्स वगैरह का भी आइडिया लग जाएगा काफ़ी अच्छी वीडियोज है जाके देख लेना एक बार आप तीनों को बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ कलर्स का, का काम करना हो तो आई पी एस पैनल लेना कॉम्पिटिटिव गेमिंग करनी हो ये बजट में या फिर कलर्स का इतना कुछ आपके लिए जरूरी नहीं है तो टी एन पैनल ले सकते हो इन जनरल या कैजुअल यूज के लिए वीए मॉनिटर के साथ जा सकते हो अब बात करते कुछ ऐसे चीजों की जो की मॉनिटर लेने से पहले काफी ज्यादा चेक करी जाती है और हर किसी को ही पता भी होता है और काफी सारे टेक यूट्यूबर्स इन सब चीजों को बता के वीडियो बना देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताते हैं सबसे पहले आता है रेजोल्यूशन ज्यादातर लोग जो मॉनिटर लेते हैं वो या तो 1080p का लेते हैं या फिर 2k लेते हैं या फिर 4k में लेते हैं और अगर आप सोच रहे हो की भाई 4k ले लेता हो मस्त मजा आ जाएगा लेकिन भाई नहीं आएगा सच में नहीं आएगा सबसे पहले आप ये देखना कि आपके ग्राफिक कार्ड में फोर के प्रोसेसिंग की पावर है या फिर नहीं है क्या आपका ग्राफिक कार्ड फोर के वीडियो ईजिली प्ले कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है क्योंकि अगर आपका ग्राफिक कार्ड ही उतने लेवल तक पुश नहीं कर पा रहा है और आप मॉनिटर में फोर के वीडियो चला रहे हो तो भाई कोई फायदा नहीं है ये रेजोल्यूशन वगैरह वाली चीजें गेमिंग वाले लोग ज्यादा ध्यान से सुने तो फिर ज्यादा सही रहेगा अगर आप लोग स्टोरी बेस्ड गेम्स खेल रहे हो तो फोर के मोनिटर्स के साथ जा सकते हो लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव गेम्स खेल रहे हो तो फिर टेन मॉनिटर लेना सही रहता है क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हो थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग भी फास्ट चाहिए होती है एनिमीज जल्दी से स्पॉट हो जाए कहीं से कहीं पे भी हल्का सा भी लैगना है मिली सेकेंड तक का लैग नहीं आना चाहिए और स्मूथ गेम प्ले होना चाहिए उसके लिए टेनिटी भी बेस्ट रहता है क्योंकि ज़्यादा रेजोल्यूशन मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज ज़्यादा रिसोर्सेज मतलब ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर और ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर यानी मशीन पे लोड और मशीन पे लोड आता है तो फिर फ्रेम ड्रॉप होते हैं या फिर गेम हल्का बहुत चिपता है या फिर लैग करता है बाकी अगर किसी को कैजुअल यूज़ के लिए चाहिए तो फिर टेन या फिर टू तक जा सकता है जो लोग कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं वो लोग भी फ़ोर ले सकते हैं बट ध्यान में रखना कि वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं तो फोर में अगर आप रेंडर वगैरह करते हो तो थोड़ा बहुत मशीन पे जोर आएगा तो अगर आपकी मशीन काफ़ी ज़्यादा हाई एंड है तो ही आप फोर के साथ जाना नहीं तो बिल्कुल भी मत जाना दुखी हो जाओगे नेक्स्ट आता है स्क्रीन साइज स्क्रीन साइज नॉर्मली लोग 24 इंच लेते हैं आजकल या फिर 27 इंच लेते हैं या फिर 32 इंच लेते हैं और स्क्रीन साइज चूज करते टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जो कि है पीपीआई पिक्सल्स पर इंच ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपकी जो डिस्प्ले है शार्प दिखेगी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मॉनिटर का रेजोल्यूशन टेन है और वो चौबीस इंच का मॉनिटर है तो उसमें टेन एट काफी ज्यादा शार्प दिखेगा लेकिन अगर आपका मॉनिटर 27 इंच का है और उस पर टेन अगर आप देखोगे तो थो इतना ज्यादा शार्प नहीं दिखेगा क्योंकि 1080p वाले पिक्सल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरी स्क्रीन पे जो पिक्सल होते हैं बड़ी साइज के अकॉर्डिंग फैल जाते हैं लेकिन अगर आप 27 इंच में 4k लोगे तो वो काफी ज्यादा शार्प दिखेगा और 24 इंच में और भी ज्यादा शार्प दिखेगा जो लोग कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हैं जैसे कि डोटा खेलते हैं या फिर वेलोरेंट खेलते हैं उसमें 24 से 27 इंच की स्क्रीन आप ले सकते हो पर अगर आपने इससे ज़्यादा बड़ी स्क्रीन ले ली तो भाई एनिमी ढूंढते रह जाओगे जो लोग कोडिंग वगैरह करते हैं वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके केस में वो लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्क्रीन ले सकते हैं कर्व मॉनिटर भी वो लोग ले सकते हैं क्योंकि उनको थोड़ी वाइड स्क्रीन चाहिए होती है एडिटिंग स्पेस चाहिए होती है टाइमलाइन क्योंकि बड़ी होती है तो ये सब चीज़ें होती है तो वो लोग काफी ज्यादा बड़ी बड़ी स्क्रीन ले सकते हैं अब सबसे पॉपुलर चीज की बात करते हैं जो कि है ए का फ्री सिंह और एनवीडी का जी सिंह जब आप कुछ अपने सिस्टम पे हैवी चीज कर रहे होते गेम खेल रहे होते तो बहुत ही तगड़ा सा तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो ग्राफिक कार्ड से आने वाले फ्रेम रेट्स होते हैं वो मैच नहीं कर पाते आपके मॉनिटर के फ्रेम रेट से जिसकी वजह से स्क्रीन टीयरिंग की प्रॉब्लम आती है और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है फ्री सिंह एंड जी सिंह फ्री सिंह जो है वो ए का है और जी सिंक एनवीडिया का है इनका काम ये होता है कि जो भी फ्रेम रेट जीप्यू से आ रही है और जो भी रेट आपके मॉनिटर के है उन दोनों को आपस में मैच करता है ये आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस ज़रूर देना चाहूँगा जो लोग भी ऑनलाइन मॉनिटर खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए कुछ तीन चार चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ तो ध्यान से सुनना आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया उसमें कुछ इस तरह का डेड पिक्सल आ रहा है या फिर कलर टेंट आ रहा है कहीं से फालतू का कलर लीक हो रहा है या फिर कोई सा पोर्ट लूज हो रहा है जैसे एच डी एम आई केवल आपने पीछे लगाई उसके को हल्का सा हिलाने पे मॉनिटर जो है फ्लिकर मार रहा है या फिर वन प्लस के फोन की तरह थोड़ी बहुत लाइन्स आ रही है मॉनिटर पे तो फटाफट से रिटर्न मार देना क्योंकि भाई ये दिक्कतें नॉर्मल नहीं है और अगर आप इन्हीं दिक्कतों के साथ उस कुछ दिन चलाओगे तो भाई वो इंक्रीज हो जाती है तो ऐसे अगर किसी के साथ भी केसेज होंगे तो रिटर्न कर देना बाकी यार अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में काफी ज़्यादा वैल्यू दी है तो भाई लाइक जरूर से कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बेल आइकन को दबा देना बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में